महाराष्ट्र को 720 किलोमीटर का समुद्र किनारा मिला है। इस समुद्र किनारे का गैर व्यवहार न हो, इस समुद्र में कोई गैर व्यवसाय न करे, इस उद्देश्य से समुद्र के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग जागरूक रहे। इसलिए उरण स्थित पेंशनर पार्क राजीव गांधी टाउन हॉल में नवी मुंबई पुलिस द्वारा समुद्र रक्षक, ग्राम रक्षक, मछुआरे बांधव एवं स्थानीय लोगों के लिए मंगलवार को जाहिर समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में नवी मुंबई के आयुक्त केएल प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान नवी मुंबई अपर पुलिस आयुक्त, उरण नगराध्यक्ष गणेश शिंदे, परिमंडल दो के पुलिस आयुक्त संजय एनपुरे, क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त सुरेश मेंगड़े, परिमंडल एक के पुलिस उपायुक्त शाहजी उमा, विशेष शाखा पुलिस उपायुक्त विश्वास पांडे, एनडी के कर्नल संत सिंह, पोर्ट सहायक पुलिस आयुक्त शशिकांत बुराटे पुलिस अधिकारियों सहित मछुआरे, स्थानीय लोग, सुरक्षा रक्षक उपस्थित थे। इस समारोह में उपस्थितों को मार्गदर्शन करते हुए केएल प्रसाद ने कहा कि सागरी सुरक्षा हमारे लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आतंकवादी हमले करने के लिए समुद्र से ही आते हैं। हमें हमारी सुरक्षा के लिए समुद्र को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। थोड़ी पैसे लोग कहीतरी वेशभूष मंदिर होता है म्हणून ते ताला साबून पास होण्यामध्ये मदत केलेली आहे लोक आणि काही बॉक्सेस आहेत त्यामध्ये काही एकेच आहे ते ना पाहता एकेच मुंबईपर्यंत पोहोचवलेले आहे। आपण जसे मॅनेज करा ते मारुती वॅनमध्ये ज्या लोक एके वेपर्स घेऊन मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कडे लिहिलेले जायचं आहे आणि ते एंट्री करून ते सर्व नगरसेवकावर तयार करायचा असं झाले असते तो कॅन यू इमॅजिन आजची किती आमदार त्यावेळेला नगरसेवक होता खासदार झाले जिवंत राहणार नव्हता। किती मोठी घटना अवघड झालेली आहे। अल्टिमेटली ते लोक कॉलेजमध्ये पोलीस चेकिंग होता आणि त्यामध्ये गाडी सापडली। वही उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने भी सागरी सुरक्षा के बारे में उपस्थित नागरिकों को मार्गदर्शन किया। उद्देश असू शकतो आणि त्या दृष्टीने एकमेव मार्ग जो अतिशय कमकुवत आहे तो म्हणजे सागरी मार्ग आहे। अशा वेळी आपल्या सर्व सागरी मच्छीमार बांधवांचं यामध्ये सहकार्य अपेक्षित आहे आणि माननीय पोलीस आयुक्तांनी आमच्याकडून जी भावना व्यक्त केली की या देशाच्या भूमीवर कुठलाही परकीय नागरिक आता पाऊल ठेवू शकणार नाहीये कारण आपण सर्व मच्छीमार बांधव आणि पोलीस सर्व नागरिक याबद्दल सतर्क होत आहेत। त्यामुळे सर्व नागरिकांना पुन्हा एकदा विनंती आहे की आपण यामध्ये सहकार्य करावं।